हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेहा सक्सेना। और आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक आय, जिसे हम कहते हैं फैमिली इनकम। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो में अपन पारिवारिक आय, जिसे हम फैमिली इनकम भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और हम इसमें बेसिकली समझेंगे कि जो फैमिली इनकम होती है, पारिवारिक आय होती है, वह कितने टाइप्स की होती है। फैमिली इनकम में जो मौद्रिक आय होती है, उसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, जिसे हम स्रोत कहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने दिखा रखा है कि ग्रॉस एवं कैंडल के शब्दों में पारिवारिक आय वह आय होती है जो परिवार को मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसे, वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तथा मुद्रा, वस्तु और सेवाओं का वह संतोष का प्रवाह होता है जो परिवार की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपन काम में लेते हैं। मतलब अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए यह प्राप्त की जाती है। बेसिकली जब अपन देखते हैं तो पारिवारिक आय वह आय है जो हमें मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसों के रूप में प्राप्त हो रही है। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी सेवा हो सकती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ग्रॉस व कैंडल के शब्दों में बता सकते हैं, ठीक है। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि पारिवारिक आय सिर्फ वह आय है जो हमें मुद्रा या नकद रूप से प्राप्त हो रही है, परंतु यह तो कुल आय का वह अंश होती है जो यदि कोई वस्तु या सेवा, जैसे कि कोई मकान है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सेवा आदि मुफ्त में प्राप्त होती है, तो वह आय भी पारिवारिक आय का ही हिस्सा होती है। साथ ही इसमें संतोष भी परिवार के अंश के अंतर्गत इंक्लूड होता है। अतः पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली, अर्जित होने वाली धनराशि हो सकती है, वस्तु एवं सुविधाएं हो सकती हैं, जिससे परिवार अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं कि अनिल की एक पारिवारिक आय के अंतर्गत उसका वेतन, उसकी पत्नी द्वारा अर्जित वेतन, मकान का किराया जो उसने अदा नहीं करना पड़ता, बच्चों को पढ़ाना अन्यथा पैसे देने पड़ते, दुकान का किराया और उससे प्राप्त जो संतोष का प्रभाव होता है, वो सभी इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब आप चित्र में ये देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली दे रखा है कि जो पारिवारिक आय होती है इसके तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन जिसे हम आर्थिक या मौद्रिक आय कहते हैं, सेकेंड वन जिसे हम वास्तविक या अमौद्रिक आय कहते हैं, एंड थर्ड वन हमारी मानसिक आय होती है जिसे अपन मेंटल इनकम कहते हैं, ठीक है। फैमिली इनकम के तीन प्रारूप अपन यहाँ पर देखे हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं ये वाला जिसे हम कहते हैं आर्थिक या मौद्रिक आय। आर्थिक या मौद्रिक आय वह आय होती है जो धन के रूप में प्राप्त होती है। विभिन्न देशों में जो मुद्रा है भिन्न भिन्न होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, लंदन में पौंड है। ये सभी आय आर्थिक प्रयासों यानी कि वे कार्य जिसके करने से हमें धन अर्जित होता है, उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। क्लियर हो रही है बात। तथा जिन कार्यों को करने से हमें आय की प्राप्त होती है, वो भी आर्थिक आय या मौद्रिक मतलब मुद्रा की आय के अंतर्गत शामिल होता है। मौद्रिक आय वह शक्ति होती है, मौद्रिक आय क्या है, वह शक्ति होती है जिसे खर्च कर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। मौद्रिक आय के अंतर्गत विभिन्न तरीके के स्रोत हो सकते हैं, वो अभी हम ढंग से समझेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं वास्तविक आय या अमौद्रिक आय, ठीक है। वास्तविक आय या अमौद्रिक आय किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाली सामान या सेवा को वास्तविक आय हम कहते हैं। भाई मुद्रा नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्रा कहाँ पे प्राप्त हो रही है, यहाँ पर। तो फिर क्या बचा, वस्तु और सेवा बच गया, और जो वस्तु और सेवा है वो यहाँ पर हमारे शो हो जाएगा, ठीक है। इन वस्तुओं और सेवाओं को परिवार या तो अपने परिवार के व्यक्तियों, मित्रों आदि से प्राप्त करता है, या फिर
बिना मुद्रा खर्च करे अपनी सुविधाओं को प्राप्त करता है, जैसे कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क शिक्षा, मकान इत्यादि इसके अंतर्गत ही आते हैं। और अपनी मुद्रा आय व्यय करनी पड़ती है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर अपन देखते हैं कि अनिल की पत्नी और अपने बच्चों को वो घर पे ही पढ़ाती है, तो जो वो सेवाएं अपनी दे रही हैं उनके लिए उन्हें मुद्रा खर्च करनी नहीं पड़ रही है, तो वो वास्तविक है अमौद्रिक आय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, एक परिवार के प्रत्यक्ष रूप से स्रोत हो सकते हैं। अब बेसिकली अपन देखते हैं वास्तविक या अमौद्रिक आय भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष आय एंड सेकेंड वन होती है अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वह आय होती है जो व्यक्ति अपनी वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं जो बिना मुद्रा व्यय किए प्राप्त करता है, मतलब बिना उसने मुद्रा के खर्च करे इसको प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष के उपयोग के लिए प्राप्त होते हैं। एक परिवार में प्रत्यक्ष आय के स्रोत कई हो सकते हैं, जैसे कि घर के बगीचे में प्राप्त फल व सब्जियां हैं, गृहिणी अपने परिवार के वस्त्र सिलना, भोजन पकाना, अन्य घरेलू कार्य करना, ये सभी जो होते हैं वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। सेकेंड वन अपनी होती है अप्रत्यक्ष आय, यह वह आय होती है जो धन के बदले प्राप्त की जाती है। ठीक है, वास्तविक अवास्तविक जिसको अपन कहते हैं वास्तविक या अमौद्रिक आय, वो दो प्रकार की होगी, एक तो प्रत्यक्ष आय, सेकेंड वन इज अप्रत्यक्ष आय। तो अप्रत्यक्ष आय यह वह आय होती है जो कि धन देने के बदले प्राप्त होती है, यह वस्तु के बदले प्राप्त होती है और वस्तु देने पर प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप मकान देने पर मकान उपलब्ध होना, गेहूं को देने पर आप चावल को प्राप्त करना, ये सभी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरी, जिसे हम मानसिक आय कहते हैं। ये सभी जो हम समझ रहे हैं पारिवारिक आय के प्रकार हैं, ये तीन, आर्थिक या मौद्रिक आय, वास्तविक या अमौद्रिक आय। फिर मैं रिपीट करती हूँ, ये दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। एंड नेक्स्ट वन इज मानसिक आय, जिसे अपन मेंटल इनकम कहते हैं। वस्तु मनुष्य जब मुद्रा मनुष्य मुद्रा को खर्च करके जो वास्तविक आय प्राप्त करता है, तत्पश्चात वह उस वस्तु को उपभोग में लेता है। एग्जाम्पल फॉर आपने 20 रुपए की एक पुस्तक खरीदी और उसको खरीदने के पश्चात में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसके अंदर बुक में से आए, तो आपको उससे क्या मिलेगी, उसके उपभोग के बाद में आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी, वो मानसिक आय के अंतर्गत ही इंक्लूड की जाती है। इसके बाद में जो संतोष का प्रभाव हुआ, संतोष की प्राप्ति हुई, वो मानसिक आय के अंतर्गत कहलाती है। ठीक है, अब अपन इसको टेक्निकली देख लेते हैं। तो निखिल व डॉर्सी जी कहते हैं कि मानसिक आय वह संतुष्टि होती है जो हमारे दैनिक अनुभवों, धन का उपभोग या वास्तविक आय से प्राप्त होती है। यह वह आय होती है जो व्यक्ति कुशलता पर निर्भर करती है। यदि गृहिणी अपने घर को खर्च को सोच समझ कर प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को ध्यान में रख के करेगी, तो परिवार की मानसिक आय में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और जो यह आवश्यकता होती है, यह मौद्रिक आय के उपभोग से अधिक मानसिक आय प्राप्त होती है। और मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से आत्मा के संतोष से होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मौद्रिक आय जो है, ये हमारी मौद्रिक आय है, और मौद्रिक आय के क्या क्या स्रोत होते हैं, तो चलिए इसके बारे में अपन जानते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, तो सबसे पहले हमारा स्रोत है वो है मजदूरी। ठीक है, मजदूरी क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए श्रम करता है और श्रम करने के पश्चात में जो उसको धन राशि प्राप्त होती है वो मजदूरी कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर एक जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति होता है, अगर वह रिक्शा चलाता है तो रिक्शे के बदले में सुबह से लेकर शाम तक उसे 50 रुपए प्राप्त हुए, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, मजदूरी के अंतर्गत ही इंक्लूडेड होता है। मजदूरी की दर जो होती है वो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेतन। कई कार्य को पूरा करने के लिए शारीरिक श्रम के साथ साथ जो मानसिक श्रम किया जाता है, जिसे अपन मेंटल कहते हैं, मेंटल वर्क कहते हैं, उसके प्रतिफल में क्या मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो वेतन कहलाता है। यह वेतन आपका मासिक भी हो सकता है या छमाही भी हो सकता है। यह व्यक्ति की कौशलता, योग्यता, क्षमता, अनुभव, परिश्रम, पद के अनुसार मिलता है। अधिक वेतन पाने के लिए मानसिक कुशलता का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। वेतन आमतौर पर वार्षिकी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लगान।
लगान का मतलब होता है कि भूमि के, जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि, जैसे खेती की भूमि है, उसको वह किराए पर चढ़ाता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? लगान की प्राप्ति होती है। वहीं पर प्रति माह अगर कोई मालिक अपनी मकान या दुकान को उपभोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को देता है और उसके बदले में जो उसको धनराशि प्राप्त होती है वो किराया कहलाता है। क्लियर हो रही है बात? भूमि के बदले लगान प्राप्त होता है और किराया किसके बदले प्राप्त होता है? मकान या दुकान के बदले प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाभ। कई व्यक्ति अपनी पूंजी का विनियोग कर व्यापार करते हैं। उद्योग धंधों द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन कर उसे बेचते हैं। उत्पादन के साधनों की लागत का वितरण करने के पश्चात जो पैसा व्यापारी के पास बचता है वह लाभ कहलाता है। ठीक है, जैसे एक व्यापारी ने क्या किया, एक कार को 1 लाख रुपए की लागत पर खरीदा और उसने उसको 1.25 लाख की लागत पर बेच दिया, यानी कि जो उसको क्या हुआ, 25,000 रुपए जो एक्स्ट्रा प्राप्त हुए वो उसका क्या हो गया, प्रॉफिट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है वो है बोनस। बहुत से व्यावसायिक संस्थानों में क्या होता है, उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष में एक बार वेतन के अतिरिक्त कुछ अंश कंपनी को अपने लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे हम बोनस कहते हैं। यह बोनस त्योहारों पर दी जाती है, जैसे दीपावली पर कर्मचारी को 1 मासिक अतिरिक्त आय दिया जाना इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट हमारा है ब्याज। ब्याज के अंतर्गत अपन देखते हैं कि ब्याज किसी भी हमारी जो धनराशि उसको अपन ने विनियोजन में किया, विनियोग में लगाया, उसके अतिरिक्त जो राशि प्राप्त हुई वो हम ब्याज के अंतर्गत इंक्लूडेड करते हैं। जैसे आपने अपने बैंक में या फिर आपने कहीं और अपनी संस्था में डाकघर में पैसे जमा कराए, उस पर जो अतिरिक्त राशि आपको प्राप्त हुई वो ब्याज के अंतर्गत इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट हमारा है लॉटरी। लॉटरी से हमारा तात्पर्य होता है, लॉटरी से प्राप्त धनराशि एक वस्तुओं की पारिवारिक आय का साधन है। यह प्रकार की आकस्मिक आय होती है। लॉटरी में प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी रॉयल्टी। रॉयल्टी से हमारा तात्पर्य होता है कि लेखक को पुस्तक की बिक्री के अनुपात में जो धनराशि प्राप्त होती है वो रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा है भत्ता, अलाउंसेस। वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी को किसी प्रकार के भत्ते दिया जाता है, जैसे कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, यह पूर्व निश्चितता वेतन के अनुसार हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा पेंशन। एक निश्चित उम्र के पश्चात व्यक्ति को नौकरी से जब रिटायरमेंट हो जाता है आफ्टर 60, तो उसको निरंतर जो मासिक आय की धनराशि प्राप्त होती है वो पेंशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे थे मौद्रिक आय से प्राप्ति के क्या क्या स्रोत होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि पारिवारिक आय किसे कहते हैं, पारिवारिक आय के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, आर्थिक आय मौद्रिक आय को समझाइए, मानसिक आय को समझाइए, वास्तविक या अमौद्रिक आय को समझाइए। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वास्तविक या अमौद्रिक आय कौन कौन से होती है, ये 2 प्रकार की मैंने बताई थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौद्रिक आय के स्रोत क्या है। तो आपको ऐसे आप इसको चार्ट के माध्यम से समझा भी सकते हैं। और अतिरिक्त अपन देखते हैं तो आपके टिप्पणी के अंदर आ जाता है, टिप्पणी में 1 वर्ड आ गया, जैसे कि वेतन दे दिया एग्जामिनर ने, मजदूरी दे दी, रॉयल्टी दे दी, लॉटरी दे दिया, ब्याज दे दिया, बोनस, किराया। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी 2-3 टिप्पणी आपके एग्जाम के अंतर्गत आ सकती है। 100% इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट आपके लिए, जो होगा बजट पर, तो वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।